अब हम बात करें विक्रय बही की, तो सारे नियम वही लागू होते हैं लगभग जो हमने क्रय बही के बारे में बात की। विक्रय बही के बारे में अगर हम जानें तो हमने पहले भी देखा कि उधार विक्रय के लिए हम विक्रय बही का निर्माण करते हैं, और उधार विक्रय जो है वो भी माल से संबंधित विक्रय होना चाहिए, किसी संपत्ति से संबंधित विक्रय नहीं होना चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात ये कि स्वीकृति या वापसी की शर्त पर या प्रेषण से संबंधित जो माल होते हैं उनका लेखा हमको विक्रय बही में नहीं करना है। किस तरह से लेखा करना है, इसके लिए दो रूप इसके हो सकते हैं कि या तो हम पूरा का पूरा डिटेल में लिखें विवरण के अंतर्गत, या हम संक्षिप्त रूप में लिखें। तो आइए विक्रय बही के प्रारूप पर एक नज़र डालें। तो इसमें हम देखते हैं कि विक्रय बही के अंतर्गत बिल्कुल वही प्रारूप फॉलो करते हैं हम जैसे कि हमने क्रय बही में किया था। इसमें भी हम तिथि के साथ विवरण और LF और उसके बाद फिर हम अमाउंट और नेट अमाउंट कॉलम को लिखते हैं, और सेम टू सेम उसी तरह के व्यवहार हम इसमें लिखते हैं जिस तरह हमने क्रय बही में लिखा था। एक उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए मोहन ब्रदर्स को 1000 रुपये का माल बेचा, उसके बाद है सोहन ब्रदर्स को 500 रुपये का माल बेचा, तो विवरण कॉलम में हम डायरेक्ट लिख देंगे मोहन ब्रदर्स को बेचा, और अमाउंट कॉलम में हम डायरेक्ट नेट अमाउंट कॉलम में हम डायरेक्ट लिख देंगे इसकी अमाउंट। फिर सोहन ब्रदर्स को माल बेचा और डायरेक्ट नेट अमाउंट कॉलम में हम इसके अमाउंट लिख देंगे। लेकिन यहीं पर अगर बट्टा आ जाए तो बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने क्रय बही के समय किया था, बिल्कुल वैसी ही एंट्री हमको करनी है। यहाँ पर हमको जो अमाउंट कॉलम है पहले उसमें अमाउंट लिखनी है, फिर बट्टा इसमें से माइनस करना है, और उसके बाद जो नेट अमाउंट आती है उसको हमको नेट अमाउंट कॉलम में लिखना है। तो बिल्कुल वही प्रारूप हम फॉलो करते हैं यहाँ पर, और इसके जो लिखने की विधियाँ होती है कि जो विवरण कॉलम है उसमें हम किस प्रकार लिखें, तो दो तरह से ये हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि विक्रय बीजक का पूर्ण विवरण हम जैसे जैसे उसमें दिया गया वैसे ही कॉपी पेस्ट कर लें, सेम नकल हम कर दें, जो प्रश्न है उसको एज इट इज़ इसमें उतार दें। और दूसरा होता है कि थोड़ा सा संक्षिप्त में हेर फेर करके हम उसको अपने शब्दों में चेंज कर दें। तो इस तरह से हम इसका लेखा कर सकते हैं। आइए विक्रय बही से संबंधित कुछ प्रश्नों पर एक नजर डालें। विक्रय बही का प्रारूप आप देख रहे हैं यहाँ पर, विक्रय बही भी उसी प्रकार बनती है जिस प्रकार हम क्रय बही बनाते हैं। इसमें भी फर्स्ट कॉलम डेट का होता है, दूसरा पर्टिकुलर यानी कि विवरण का, फिर बीजक क्रमांक यानी इनवॉइस नंबर, खाता पृष्ठ LF, और अमाउंट का कॉलम होता है, और फिर लास्ट कॉलम जो होता है वो नेट अमाउंट का होता है। इसमें भी अमाउंट और नेट अमाउंट कॉलम में अमाउंट को लिखते समय ध्यान रखा जाता है, अगर कोई ऐसी अमाउंट है जिसमें से कुछ डिडक्ट करना है, कुछ माइनस करना है, तो उसको हम पहले अमाउंट कॉलम में लिखते हैं और फिर माइनस करने के बाद हम उसको नेट अमाउंट में लिख देते हैं। और अगर किसी प्रकार का के कोई कटौती नहीं दी गई है तो डायरेक्ट हम उस अमाउंट को नेट अमाउंट कॉलम में लिख देते हैं। श्री N.D. पांडे की विक्रय पुस्तक निम्नांकित विवरण से दिसंबर 2000 के लिए बनाइए एवं जनरल प्रविष्टि कीजिए। दिसंबर 1 यश को 5% व्यापारिक कटौती पर बेचा, 20 मीटर लॉन्ग क्लॉथ दर 5 रुपये प्रति मीटर की दर से, 10 मीटर कमीज का कपड़ा दर 20 रुपये प्रति मीटर की दर से। दिसंबर 15 परी को 10% व्यापारिक कटौती पर बेचा, 12 मीटर लॉन्ग क्लॉथ दर 5 रुपये प्रति मीटर, 40 मीटर कमीज का कपड़ा दर 10 रुपये प्रति मीटर। दिसंबर 31 सतीश को 20% कटौती पर बेचा, 10 तकिए के कवर दर 4 रुपये प्रति कवर, विक्रय बही का योग 731 रुपये। यहाँ पर क्योंकि हमको विक्रय पुस्तक केवल बनाना है और जो भी व्यवहार यहाँ दिए गए हैं 1 दिसंबर 15 दिसंबर और 31 दिसंबर तीनों विक्रय पर आधारित हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले 1 दिसंबर की एंट्री करेंगे। इसका पूरा का पूरा विवरण हम यहाँ पर लिखेंगे, यश को माल बेचा और उसके अंतर्गत हम लिखेंगे 20 मीटर लॉन्ग क्लॉथ दर 5 रुपये प्रति मीटर की दर से, और फिर उसके बाद हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे, 20 × 5 100 रुपये का ही हो जाता है, और उसके बाद उसके नीचे हम उसकी एंट्री करेंगे 10 मीटर कमीज का कपड़ा दर 20 रुपये प्रति मीटर की दर से, और यहाँ पर हम इसके अमाउंट लिखेंगे 10 × 20 200,
और टोटल जो 300 की अमाउंट आती है उसको हम बाहर डिटेल कॉलम में लिख देंगे। अब क्योंकि इसी डेट पे इसी व्यवहार पर 5% की व्यापारिक कटौती दी गई है, तो इस पूरे के पूरे 300 रुपए की राशि पर 5% व्यापारिक कटौती हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि हो जाएगी 300 के 5% 15 रुपए। और अब इस 300 में से 15 रुपए माइनस करने के बाद 285 रुपए हम अमाउंट कॉलम में लिख देंगे। 15 दिसंबर को हम देख रहे हैं माल बेचा गया है, इसकी पूरी प्रविष्टि हम यहाँ पर करेंगे, डेट डालेंगे 15 दिसंबर, परी को माल बेचा, और इसके नीचे हम इसका विवरण लिखेंगे क्या क्या बेचा है किस तरह से। तो 12 मीटर लॉन्ग क्लॉथ दर 5 रुपए प्रति मीटर की दर से, यहाँ हम इसकी कैलकुलेशन कर देंगे, 12 × 5 60 रुपए हो जाता है। और उसके बाद इसी के अंतर्गत 40 मीटर कमीज का कपड़ा दर 10 रुपए प्रति मीटर की दर से, तो 40 × 10 यानी 400 रुपए। और अब कुल मिलाकर 460 रुपए हम डिटेल कॉलम में लिख देंगे। और क्योंकि यहाँ पर 10% व्यापारिक बट्टा दिया जाएगा, तो पूरे के पूरे 460 का 10% यानी 46 रुपए हम व्यापारिक बट्टा माइनस कर देंगे, और फिर अमाउंट कॉलम में हम 414 रुपए से इसकी एंट्री कर देंगे। तीसरा पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं, सतीश को माल बेचा है 10 तकिए के कवर दर 4 रुपए प्रति कवर की दर से, तो 10 × 4 यानी 40 रुपए ये हम डिटेल कॉलम में लिखेंगे। और फिर इसमें से हम 20% व्यापारिक छूट माइनस कर देंगे, 40 रुपए का 20% व्यापारिक छूट 8 रुपए आ जाएगा, और 40 में से हम इसको माइनस करेंगे तो 32 रुपए को हम अमाउंट कॉलम में लिख देंगे। अब जब हम अमाउंट कॉलम यानी नेट अमाउंट की जो राशि रहती है उसका टोटल करेंगे तो 731 रुपए इसका टोटल आएगा। अब क्योंकि यहाँ प्रश्न में दिया गया है कि पंजी प्रविष्टि भी हमको करनी है, तो अब हम इसकी पंजी प्रविष्टि यानी जनरल एंट्री कर लेंगे, और जनरल एंट्री का फॉर्मेट हम बना लेंगे और इसमें हेडिंग डालेंगे जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ श्री एनडी पांडे। यहाँ पर हम जनरल एंट्री करेंगे, पहले 1 जनवरी को हमने माल खरीदा है यश से और उधार, 1 जनवरी को हमने माल बेचा है यश को, और क्योंकि ये उधार विक्रय है तो उधार विक्रय की दशा में हम जनरल एंट्री करते हैं यश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और 285 रुपए से हम इसकी एंट्री करेंगे। और उधार विक्रय की दशा में हम यहाँ पर पंजी प्रविष्टि करेंगे यश का खाता डेबिट विक्रय खाता से, और 285 रुपए से हम इसकी पंजी प्रविष्टि करेंगे। दूसरा, 15 जनवरी को परी को माल बेचा, तो क्योंकि ये भी उधार विक्रय है तो यहाँ पर हम उधार विक्रय की पंजी प्रविष्टि करेंगे परी का खाता डेबिट विक्रय खाता से, और 414 रुपए से हम इसकी एंट्री करेंगे। यहाँ पर हमको अमाउंट कॉलम में केवल वही अमाउंट लिखना है जो हमने नेट अमाउंट में डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो हमारी राशि आई है केवल वही अमाउंट हमको यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद 31 दिसंबर को हमने सतीश को माल बेचा था, ये भी उधार विक्रय था, तो यहाँ हम पंजी प्रविष्टि करेंगे सतीश का खाता डेबिट विक्रय खाता से, और क्योंकि इसमें 20% डिडक्शन व्यापारिक छूट के बाद इसकी अमाउंट आई थी 32 रुपए, तो 32 रुपए से हम इसकी प्रविष्टि करेंगे। और उसके बाद इस जनरल एंट्री को हम यहाँ पर क्लोज करेंगे और टोटल करके देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल 731 रुपए आता है। मेसर्स बंसल इलेक्ट्रॉनिक्स के विक्रय रोज नामचे पुस्तक में निम्नलिखित लेन देन की प्रविष्टि कीजिए। 2016 सितंबर 1 को विपत्र संख्या 4321 के अनुसार अमित ट्रेडर्स को विक्रय किया 20 जेब के रेडियो 70 रुपए प्रति रेडियो की दर से, 2 श्वेत श्याम टीवी 800 रुपए प्रति टीवी की दर से। 10 सितंबर विपत्र संख्या 4351 के अनुसार अरुण इलेक्ट्रॉनिक्स को विक्रय किया 5 20 इंच के श्वेत श्याम टीवी 3000 रुपए प्रति टीवी की दर से, 2 21 इंच के रंगीन टीवी 4800 रुपए प्रति टीवी सेट की दर से। 22 सितंबर विपत्र संख्या 4399 के अनुसार होंडा इलेक्ट्रॉनिक्स को विक्रय किया 10 टेप रिकॉर्डर 600 रुपए प्रति टेप रिकॉर्डर की दर से, 5 वॉकमैन 300 रुपए प्रति वॉकमैन की दर से। 28 सितंबर हरीश ट्रेडर्स को विपत्र संख्या 4430 के अनुसार विक्रय किया
610 जूसर मिक्सर 800 रुपए प्रति जूसर मिक्सर की दर से। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे विक्रय दिए गए हैं और बहुत सारे विक्रय अलग अलग ट्रेडर्स को किए गए हैं और इसके आधार पर हमको विक्रय रोजनामचे की पुस्तक बनानी है, यानी कि विक्रय की एंट्रीज के आधार पर हमको यहाँ पर बंसल इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल्स बुक बनानी है, क्योंकि यहाँ जो प्रविष्टियाँ दी गई हैं वे सबके सब प्रविष्टियाँ विक्रय के संबंध में दी गई हैं। तो जैसे कि हमने पहले फॉर्मेट देखा था, जब हम विक्रय बही, क्रय बही या किसी भी प्रकार की सहायक बही का निर्माण करते हैं तो कुल मिलाकर वो 6 कॉलम की बही बनती है, जिसमें सबसे पहले कॉलम में हम डेट लिखते हैं, उसके बाद विवरण और फिर बिल नंबर LF और डिटेल अमाउंट के बाद हम नेट अमाउंट का कॉलम बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम फॉर्मेट का निर्माण कर लेंगे और उसके बाद 1 सितंबर हम डेट डालेंगे। 1 सितंबर को जो एंट्री की गई है उसमें हमने देखा कि अमित ट्रेडर्स को हमने माल बेचा है, तो यहाँ हम एंट्री करेंगे अमित ट्रेडर्स को माल बेचा और उसके बाद हम विवरण में लिखेंगे 20 पॉकेट रेडियो 70 रुपए प्रति रेडियो की दर से, 2 TV। तो यहाँ पर हम इसका बिल नंबर लिखेंगे, बिल नंबर है 4321 और अब डिटेल अमाउंट में हम इसके अमाउंट लिख देंगे, क्योंकि 20 रेडियो 70 रुपए पर रेडियो की दर से हमने बेचा तो 1400 रुपए से हम इसकी एंट्री करेंगे। और उसके बाद 2 TV सेट ब्लैक एंड व्हाइट जो बेचे हैं 800 रुपए प्रति टीवी सेट की दर से, उसकी हम एंट्री यहाँ पर करेंगे। 1600 रुपए इसकी अमाउंट हो जाएगी, 800 जो टीवी सेट है, 2 TV सेट हमने बेचे हैं तो 1600 रुपए इसकी अमाउंट हो जाएगी और कुल मिलाकर नेट अमाउंट में हम 1400 प्लस 1600 यानी कि 3000 से इसकी एंट्री हम यहाँ पर करेंगे और इसको यहाँ पर हम क्लोज करेंगे। अब 10 सितंबर को जो व्यवहार हुआ था उसमें हमने देखा कि अरुण इलेक्ट्रॉनिक्स को माल का विक्रय किया गया है, तो यहाँ पर हम प्रविष्टि कर लेंगे इसके, अरुण इलेक्ट्रॉनिक्स को बेचा। और क्या क्या बेचा हमने, तो पहले हम लिखेंगे 5 TV सेट दर 3000 रुपए प्रति टीवी और ये हो जाएगा डिटेल अमाउंट के कॉलम में 15000, 3000 गुणित 5 से। और उसके बाद हम देखते हैं कि 2 TV सेट जो है 4800 रुपए प्रति टीवी सेट की दर से, तो उसकी एंट्री हम यहाँ पर करेंगे और इसकी अमाउंट हो जाएगी 4800, 2 से हम इसको गुणा करेंगे तो 9600। टोटल इसके जो अमाउंट होगी वो हो जाएगी 24600 जो हम नेट अमाउंट कॉलम में लिखेंगे और यहाँ पर हम इसको बंद कर देंगे। 22 सितंबर को हम देख रहे हैं कि होंडा इलेक्ट्रॉनिक्स को कुछ माल बेचा गया है, तो होंडा इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने माल बेचा है उसकी प्रविष्टि हम यहाँ पर करेंगे। होंडा इलेक्ट्रॉनिक्स को बेचा, किस तरह से हम इसका विवरण लिखेंगे, 10 टेप रिकॉर्डर 600 रुपए प्रति रिकॉर्डर की दर से और इसकी अमाउंट हो जाएगी 6000, 600 इंटू 10 करेंगे तो, और 5 वॉकमैन 300 रुपए प्रति वॉकमैन की दर से, तो 5 × 300 करेंगे तो 1500 रुपए इसकी अमाउंट हो जाएगी। टोटल जब हम नेट कॉलम में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 7500। उसके बाद सितंबर 28 को हमने देखा कि हरीश ट्रेडर्स को कुछ बेचा है जिसमें 10 मिक्सर जूसर है 800 रुपए प्रति की दर से, तो इसकी एंट्री हम कर लेंगे 10 मिक्सर जूसर 800 रुपए प्रति की दर से, तो ये हो जाएगा 8000 रुपए और इसको फिर हम नेट अमाउंट कॉलम में भी लिख देंगे 8000 रुपए। और टोटल जब इस मंथ के अंत में जब हम इसका टोटल निकालेंगे तो नेट अमाउंट का टोटल हम देख रहे हैं कि टोटल जो सेल हुई है वो 43100 रुपए हुई है। उपरोक्त व्यवहार को अवंती फर्नीचर पहरगंज दिल्ली की विक्रय पुस्तक में लिखिए। वर्ष 2010 अगस्त 3 योगेश फर्नीचर को माल बेचा 4 सोफा सेट दर 5000 रुपए प्रति की दर से, 15% डिस्काउंट दिया, बट्टा दिया और वेट चार्ज करना है 10%। 10 अगस्त 2010 प्रीतम फर्नीचर अशोक नगर दिल्ली को माल बेचा 50 कुर्सी दर 200 रुपए प्रति कुर्सी की दर से, 10 टेबल दर 500 रुपए प्रति टेबल की दर से, 5% व्यापारिक बट्टा दिया, वेट चार्ज 10%। 17 अगस्त राजधानी फर्नीचर पहरगंज नई दिल्ली को माल नगद बेचा 40 कुर्सी
दर 175 रुपए प्रति कुर्सी की दर से वेट चार्ज किया 10%। अगस्त 25 विमल मेगा मार्ट दिल्ली को उधार माल बेचा 10 अलमारी दर 3,000 रुपए प्रति की दर से, 2 सोफा सेट दर 4,500 रुपए प्रति की दर से, 20 कुर्सी दर 200 रुपए प्रति की दर से, 15% व्यापारिक बट्टा दिया, वेट चार्ज किया 10% और गाड़ी भाड़ा दिया 2,200 रुपए। इस प्रश्न में अवंती फर्नीचर्स के पुस्तकों में विक्रय बही बनानी है और हमको ध्यान में रखना है कि जितने भी उधार विक्रय हैं केवल उनकी प्रविष्टि हमको यहाँ पर करनी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वर्ष 2010 में 3 अगस्त को योगेश फर्नीचर दिल्ली को बेचा गया है। पहले सबसे पहले हम इसका विवरण लिखेंगे। योगेश फर्नीचर दिल्ली को बेचा 4 सोफा सेट दर 5,000 रुपए प्रति की दर से, तो 4 सोफा सेट है और एक सोफा सेट 5,000 का है, तो कुल इसके जो अमाउंट है डिटेल कॉलम में जो आएगी वो 20,000 हो जाएगी। और प्रश्न में दिया गया है कि इस पर ट्रेड डिस्काउंट भी हमको कैलकुलेट करना है 15%। तो इसमें हम 15% ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेंगे जो कि 3,000 रुपए आएगा, और इस डिस्काउंट को जब हम इसमें से लेस कर देंगे तो 20,000 - 3,000 आ जाएगा। और अब हम इसमें वैट कैलकुलेट करेंगे तो 17,000 का 10% वैट कैलकुलेट करना है हमको इसमें, तो ये आ जाएगा 1700। और वैट को जब हम इसमें ऐड करते हैं तो इसकी टोटल अमाउंट आ जाती है 18,700। अब क्योंकि हमको कॉस्ट और वेट को अलग करना है उसके बाद फिर इसकी टोटल अमाउंट लिखनी है, तो कॉस्ट हमने यहाँ पर देखी थी ट्रेड डिस्काउंट जो होता है माइनस करने के बाद जो अमाउंट आती है वो एक्चुअल कॉस्ट होती है, तो उस एक्चुअल कॉस्ट को हमको कॉस्ट वाले कॉलम में लिखना होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 17,000 जो है वो हमारी कॉस्ट है जिसको कि हम कॉस्ट के कॉलम में लिखेंगे। वेट हमने यहाँ पर 1700 कैलकुलेट किया था, इसको हम वेट के कॉलम में लिखेंगे, और फिर टोटल अमाउंट जो है 18,700 वो हम टोटल कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 10 अगस्त को प्रीतम फर्नीचर दिल्ली को बेचा हुआ है और इसका विवरण हम यहाँ पर लिखेंगे। प्रीतम फर्नीचर दिल्ली को बेचा और 50 चेयर 50 कुर्सी दर 200 रुपए प्रति कुर्सी की दर से, और इसके सामने डिटेल कॉलम में हम लिखेंगे 10,000 रुपए। उसके बाद 10 टेबल 500 रुपए प्रति टेबल की दर से, तो 5,000 रुपए, और ये टोटल जो है वो हो जाता है 15,000 रुपए। अब इस पे हमको ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करना है 5%, तो 15,000 का 5% यानी कि 750 रुपए हम यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे जो कि माइनस करने के बाद हो जाएगा 14,250 रुपए। और अब हम इसमें वैट ऐड कर देंगे 10%, तो 14,250 का 10% 1425 ये वैट इसमें ऐड हो जाएगा, और अब जो टोटल अमाउंट आएगी सेल्स की वो हो जाएगी 15,675। अब क्योंकि इसमें से हमको कॉस्ट और वैट को अलग कर करके लिखना है और उसके बाद फिर दोनों को टोटल कॉलम में दर्शाना है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि टोटल जो सेल की हमारी अमाउंट है ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद वो है 14,250, तो उसको हम कॉस्ट कॉलम में लिख लेंगे। वैट की जो अमाउंट है वो है हमारी 1425, उसको हम वैट के कॉलम में लिख लेंगे, और टोटल अमाउंट जो है वो हमारी है 15,675, उसको हम टोटल कॉलम में लिख लेंगे। तीसरा पॉइंट यहाँ पर हम देखते हैं कि 17 अगस्त को राजधानी फर्नीचर को जो माल बेचा है वो कैश में बेचा गया है, नगद बेचा गया है, और हमको बनाना है यहाँ पर विक्रय बही। तो हमने पहले भी देखा कि विक्रय बही में केवल हम उधार विक्रय की ही प्रविष्टि करते हैं, नगद व्यवहार की प्रविष्टि हम यहाँ पर नहीं करते, तो फिलहाल हमको यहाँ पर 17 अगस्त की कोई प्रविष्टि नहीं करनी है। बाद में लास्ट में हम इसको फुटनोट में दे सकते हैं कि हमने 17 अगस्त की प्रविष्टि इसलिए नहीं की क्योंकि वो नगद व्यवहार है और विक्रय बही में केवल उधार व्यवहार का लेखा किया जाता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि 25 अगस्त को माल बेचा है विमल मेगा मार्ट दिल्ली को, तो यहाँ पर हम इसकी प्रविष्टि कर लेंगे। विमल मेगा मार्ट दिल्ली को बेचा और विवरण हम लिखेंगे 10 अलमारी दर 3,000 रुपए प्रति अलमारी की दर से, तो ये हो जाएगा 30,000 रुपए डिटेल कॉलम में इसके सामने। उसके बाद है 2 सोफा सेट दर 4,500 रुपए प्रति सोफा सेट की दर से, तो ये हो जाएगा 9,000 रुपए। और तीसरा हम यहाँ पर लिखेंगे 20 कुर्सी दर 200 रुपए प्रति कुर्सी की दर से, तो वो हो जाएगा 4,000 रुपए।
अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कुल मिलाकर 43,000 रुपए इसकी डिटेल की अमाउंट है और इसमें 15% ट्रेड डिस्काउंट देना है। तो 43,000 का 15% हम ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेते हैं 6,450, और अब इस 6,450 को इसमें से माइनस करेंगे तो हमको नेट अमाउंट जो होगी वो प्राप्त होगी 36,550। इसमें हमको 10% वैट ऐड करना है, जो कि हम ऐड कर देंगे इसका 10%, तो ये हो जाएगा 3,655 और टोटल करने के बाद ये आएगा 40,205। अब इसमें गाड़ी भाड़ा भी दिया गया है इस फर्नीचर में, तो उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे 2,200। तो इस व्यवहार की जो कुल अमाउंट है वो हो जाएगी 42,405। अब क्योंकि हमको कॉस्ट को अलग करना है, वेट को अलग करना है और एडिशनल एक्सपेंसेस अगर कुछ होते हैं तो उसका हमको अलग कॉलम बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर एक एडिशनल एक्सपेंस है गाड़ी भाड़ा, तो यहाँ पर हम तीनों कॉलम को अलग अलग कर देंगे। जो हमारी कॉस्ट है वो हमारी होती है कि जो सेल्स अमाउंट होती है उसमें जब हम ट्रेड डिस्काउंट यानी कि व्यापारिक बट्टा माइनस कर देते हैं तो उसके बाद की जो अमाउंट होती है वो कॉस्ट कहलाती है, जो कि हमने यहाँ पर प्राप्त की है 36,550 रुपए। और वैट की अगर हम बात करें तो वैट हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है 4,655 रुपए, और गाड़ी भाड़ा जो है एक एडिशनल एक्सपेंस जो है वो संपत्ति से संबंधित जो भी व्यय किए जाते हैं पूंजीगत संपत्ति से संबंधित, उसको लाने ले जाने या फिट करने में, वो सारे उसके कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। तो इसको यहाँ पर हमको पहले अलग से दर्शाना है 2,200 रुपए, और टोटल इसका जो ट्रांजेक्शन है वो हो जाता है 42,405 रुपए। अब अगर हम बात करें विक्रय जो वही बनाई गई है इसके टोटल कॉलम की, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि टोटल कॉस्ट जो है पूरे विक्रय में वो आया है 67,800। टोटल वेट अगर हम देखें तो वो आया है 6,780। टोटल फ्राइट जो इस पे गाड़ी भाड़ा जो इस पे दिया गया है वो आया है 2,200, और ओवरऑल जो इसकी टोटल अमाउंट है सभी को मिलाकर वो है 76,780। अब यहाँ पर हम इस अकाउंट को जब क्लोज करेंगे इस पूरे कॉलम को, तो लास्ट में हमने जो 17th अप्रैल की एंट्री नहीं की थी उसके बारे में हम यहाँ पर एक फुट नोट लिख देंगे कि 17 अप्रैल की प्रविष्टि इसलिए नहीं की जाएगी क्योंकि वो व्यवहार नगद है और नगद व्यवहार की प्रविष्टि हमको विक्रय वही जो होती है उसमें हम नहीं करते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर हम इनके जो टोटल आया है उसकी हम जनरल एंट्री करनी चाहें तो ये हो जाएगी योगेश फर्नीचर डेबिट, प्रीतम फर्नीचर डेबिट, विमल मेगा मार्ट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट, टू वेट कलेक्टेड अकाउंट, टू फ्रेट अकाउंट। तो ये हो जाएगा योगेश फर्नीचर से 18,700, जैसे कि हमने विक्रय बही में बनाया है तो नेट अमाउंट जो आई है यहाँ पे हम देख रहे हैं 18,700 है, तो वो योगेश फर्नीचर के डेबिट साइड में आ जाएगी। उसके बाद प्रीतम फर्नीचर के डेबिट साइड में हम लिखेंगे 15,675, जो कि हमने विक्रय बही से निकाला है, और विमल मेगा मार्ट के डेबिट साइड में हम 42,405 से एंट्री करेंगे, जो कि हम विक्रय बही में हमने प्राप्त किया है। और फिर टू सेल्स में हमने जो टोटल सेल हमने कैलकुलेट किया है 67,800, उसकी एंट्री हम करेंगे। वैट कलेक्टेड में हमने टोटल जो वैट कलेक्ट किया है अब तक का 6,780, उसकी हम एंट्री करेंगे। और फ्राइट में हमने जो टोटल यहाँ पर व्यय किया है गाड़ी भाड़ा पर 2,200, उसकी हम एंट्री करेंगे। और इस जनरल एंट्री में हम नरेशन लिख सकते हैं सेल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2016। अब जिस प्रकार हमने क्रय बही के बाद देखा था कि क्रय खाता भी खोला जाता है, वैसे ही कई बार विक्रय बहियों के साथ साथ खतौनी भी की जा सकती है। तो यहाँ पर अगर हम लेजर की बात करें तो एक तो हम देखते हैं कि क्रेडिट साइड में सारा का सारा विवरण जाता है, क्योंकि हमने जब जनरल एंट्री की थी तो वहाँ हमने देखा था कि विक्रय जो होता है वो हमेशा क्रेडिट में आता है। इसके पीछे गोल्डन रूल ये है कि जब हम विक्रय करते हैं, चाहे हम नगद करें या हम उधार करें, तो माल जो है वो हमारे पास से जाता है और इसलिए विक्रय हमेशा क्रेडिट साइड में आता है। तो एक तो इससे रिलेटेड जितनी भी एंट्री आती है वो सब क्रेडिट में आ जाती है, और दूसरी बात हम देखते हैं कि इसमें क्रेताओं का जो खाता होता है और विक्रय खाता जो होता है वो खोला जाता है, क्योंकि हमने माल बेचा तो जिन लोगों ने माल खरीदा हम उसका खाता बनाएंगे, और दूसरी बात क्योंकि हमारा मेन जो काम है वो विक्रय करना है तो हम अपने लिए विक्रय खाता भी बनाएंगे। वैसे यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि जिनको विक्रय किया गया है उनका विक्रय खाता, जैसे कि हमने सेकेंड पॉइंट में देखा कि क्रेताओं का खाता, एक उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम विक्रय का
कार्य कर रहे हैं और बहुत सारे हमारे विक्रय यहाँ पर व्यवहार हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि मोहन ब्रदर्स को बेचा, सोहन ब्रदर्स को बेचा, तो हमने माल बेचा तो हम विक्रय खाता तो बनाएंगे। मोहन ब्रदर्स, सोहन ब्रदर्स, इन्होंने हमारा माल खरीदा है तो हम मोहन ब्रदर्स का खाता अलग से बनाएंगे, सोहन ब्रदर्स का खाता हम अलग से बनाएंगे। तो इस तरह से जितने भी पक्षकार प्रभावित हो रहे हैं सबके लिए हम खाता बही में फिर खतौनी करेंगे। तो आइए विक्रय बही के साथ साथ खतौनी से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उन पर एक नज़र डालें। निम्नलिखित व्यवहारों को मेसर्स राजा एंड सन्स की विक्रय बही में लिखिए व खतौनी कीजिए। 2005 1 जनवरी रविशंकर एंड कंपनी को 10% व्यापारिक बट्टे पर माल बेचा। रेशमी कपड़ा ₹200, ऊनी कपड़ा ₹400, सूती कपड़ा ₹100। 15 जनवरी भारतीय स्टोर्स को 15% व्यापारिक बट्टे पर माल बेचा। सूती कपड़ा ₹200, ऊनी कपड़ा ₹500, रेशमी कपड़ा ₹200। 19 जनवरी वीना को स्वीकृति पर माल भेजा। अब क्योंकि यहाँ पर हमको विक्रय बही बनानी है और साथ में हमको खतौनी भी करनी है, तो सबसे पहले हम उधार विक्रय का विक्रय बही बना लेंगे और यहाँ पर हम ये फॉर्मेट बनाएंगे और सबसे पहले 1 जनवरी 2005 की पोस्टिंग हम यहाँ पर करेंगे और डिटेल में हम इसका पूरा विवरण लिखेंगे पर्टिकुलर विवरण कॉलम में। रविशंकर एंड कंपनी को माल बेचा, अब इसमें हम देख रहे हैं रेशमी कपड़ा ₹200 का, जिसको हम पर्टिकुलर कॉलम में लिखते जाएंगे और फिर टोटल करके जितने भी यहाँ पर विक्रय मदे हैं सबको टोटल करके फिर हम डिटेल कॉलम में लिखेंगे। तो रेशमी कपड़ा ₹200, ऊनी कपड़ा ₹400 और सूती कपड़ा ₹100। तो इस तरह से ₹700 का पूरा विक्रय हुआ है, इस ₹700 को हम डिटेल कॉलम में लिख सकते हैं और इस पर क्योंकि 10% बट्टा दिया गया है तो 700 का 10% ₹70 हमने यहाँ पर बट्टा कैलकुलेट कर लिया और डिटेल कॉलम में इसको हम माइनस करेंगे 700 में से, तो ये जो नेट अमाउंट आएगी वो आएगी ₹630 और उसको हम सामने में अमाउंट कॉलम में ₹630 लिखेंगे। सेकेंड, हम 15 जनवरी को देख रहे हैं कि भारती को माल बेचा है तो यहाँ पर हम इसका विवरण लिखेंगे भारती स्टोर्स को माल बेचा। अब इसमें भी पिछले पॉइंट की तरह तीन अलग अलग टाइप का माल है तो तीनों की अलग अलग एंट्री हम पर्टिकुलर कॉलम में यानी विवरण कॉलम में ही करेंगे। तो सूती कपड़ा है ₹200 का, ऊनी कपड़ा है ₹500 का और रेशमी कपड़ा है ₹200 का। कुल मिलाकर ₹900 का कपड़ा यहाँ पर बेचा गया है और इस ₹900 को अब हम डिटेल कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद हम इसमें से व्यापारिक बट्टा माइनस करेंगे तो 15% व्यापारिक बट्टा था, ₹135 हम निकाल लेंगे 900 का 15% और 900 में से उस 135 को माइनस करने के बाद जो नेट अमाउंट हमारी आती है ₹765 उसको हम अमाउंट कॉलम में ट्रांसफर कर देंगे और यहाँ पर हम अपना विक्रय बही जो हमारी है ₹1395 के टोटल से हम इसको बंद कर देंगे। तीसरी एक चीज हमको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है कि 19 जनवरी की प्रविष्टि हमने यहाँ पर नहीं की है क्योंकि यहाँ लिखा गया है वीना को स्वीकृति पर माल भेजा और हमने जब हम विक्रय बही के बारे में पढ़ रहे हैं तो वीडियो में हमने देखा कि अगर स्वीकृति या वापसी की शर्त पर माल भेजा जाता है तो विक्रय बही में उसकी प्रविष्टि कहीं पर भी नहीं की जाती। आप इसको नीचे फुटनोट में लिख सकते हैं कि आपने 19 जनवरी की प्रविष्टि विक्रय बही में क्यों नहीं की है। अब क्योंकि इसमें खतौनी करने भी बोला है, इसको लेजर करने भी बोला है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पक्ष जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। तो एक तो सबसे पहली बात कि विक्रय की पूरी पूरी एंट्री है यानी कि विक्रय खाता तो प्रभावित होगा ही, साथ में हम देखेंगे कि किन किन कंपनी से हमने माल खरीदा था। तो हमने रविशंकर एंड कंपनी से खरीदा था और भारतीय स्टोर से भी खरीदा था, तो कुल मिलाकर तीन पक्षकार हैं यहाँ पर, तीन खाते बन सकते हैं। विक्रय खाता बनेगा, रविशंकर एंड कंपनी का खाता बनेगा और भारतीय स्टोर्स का खाता बनेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर विक्रय खाता बनाएंगे और विक्रय खाता के क्योंकि हमने जब माल रविशंकर एंड कंपनी को बेचा था तो यहाँ अगर हम जनरल एंट्री करें तो हमारी जनरल एंट्री होगी रविशंकर एंड कंपनी का खाता डेबिट विक्रय खाता से। तो क्योंकि विक्रय खाता से विक्रय खाता क्रेडिट हो रहा है यानी यहाँ पर हम विक्रय खाता के क्रेडिट साइड में रविशंकर एंड कंपनी को लिखेंगे और ₹630 से हम इसकी अमाउंट की एंट्री यहाँ पर करेंगे। एक बात का हमको विशेष ध्यान रखना है कि जब हम अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे
तो हमको जो भी उस पर डिस्काउंट रहता है, वो डिडक्शन होने के बाद जो अमाउंट आई रहती है, जिसे हम विक्रय बही में नेट अमाउंट कॉलम में लास्ट कॉलम में लिखे रहते हैं, केवल उतनी ही अमाउंट हमको इस खाते में लिखनी है। दूसरा, 15 जनवरी का एक पॉइंट था कि भारतीय स्टोर्स को बेचा, तो यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री होगी भारतीय स्टोर्स खाता डेबिट विक्रय खाता से, तो विक्रय खाता के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे भारतीय स्टोर्स को 765 रुपए इसकी नेट अमाउंट आई थी, उसकी एंट्री हम करेंगे क्रेडिट साइड में। और फिर टोटल जो है 765 रुपए से हम इसकी एंट्री करेंगे और यहीं पर विक्रय खाते को क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम रविशंकर एंड कंपनी का खाता बनाएंगे। तो जब हमने रविशंकर एंड कंपनी को माल बेचा था, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री जो थी वो हुई थी रविशंकर एंड कंपनी खाता डेबिट विक्रय खाता से, तो रविशंकर एंड कंपनी के खाते के डेबिट साइड में हम लिखेंगे विक्रय खाता से और 630 रुपए से इसके अमाउंट हम डालकर क्लोज कर देंगे इसको। तीसरा, एक तो भारतीय स्टोर से भी हमने माल खरीदा था, तो उस समय हमारी जनरल एंट्री हुई थी भारतीय स्टोर्स खाता डेबिट विक्रय खाता से, तो भारतीय स्टोर्स के खाते के डेबिट साइड में हम विक्रय खाता से लिखेंगे और 765 रुपए से इसकी एंट्री हम करेंगे और इसको यहाँ पर क्लोज कर देंगे। तो हमने देखा कि किस प्रकार हम विक्रय खाता और विक्रय बही के साथ साथ बना सकते हैं, लेकिन वास्तव में विक्रय खाता क्यों बनाया जाता है, क्योंकि सहायक बहियों के अंतर्गत हमने विक्रय बही बना ली है, साथ में हम जनरल पोस्टिंग लेजर करते हैं, तो विक्रय खाता को अलग से बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जिस तरह हमने क्रय खाता के बारे में जाना था कि कुल क्रय की राशि और शुद्ध क्रय की राशि जानना जरूरी है, इसलिए तो बिल्कुल इसी तरह विक्रय में हम कुल विक्रय यानी कि उधार और नगद दोनों को जान लेते हैं। और एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यह होती है कि या विक्रय खाता जब हम बना लेते हैं तो शुद्ध विक्रय जो होता है यानी कि वास्तव में जो विक्रय की गई राशि होती है उसमें से बट्टा जब हम घटा देते हैं तो शुद्ध विक्रय की जो राशि होती है वो हमको प्राप्त हो जाती है।